Assalamu alaikum students. In the previous lecture we had a discussion about pass by value or pass by reference. आज के लेक्चर में हम डिस्कशन जो हमारी होगी वो हम करेंगे कॉन्स्टेंट पैरामीटर्स के बारे में, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के बारे में, और फ्रेंड फंक्शन और किस तरीके से फ्रेंड क्लास को डिक्लेयर किया जाता है इसके बारे में. Okay, so we start the discussion with constant parameters. इससे पहले जो हमने लेक्चर में डिस्कशन की थी पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस की, सो बेसिकली जब भी हम किसी भी फंक्शन में कोई पैरामीटर पास करते थे थ्रू इट्स रेफरेंस या थ्रू इट्स स्टोरेज मेमोरी लोकेशन जो हमने, या मेमोरी एड्रेस के तौर पे जो एंड के तौर पे आपको याद होगा कि हमने पास बाय रेफरेंस में डिस्कशन की थी कि हम उसका रेफरेंस पास करते हैं, तो बेसिकली हमने देखा था कि फंक्शन के अंदर या मेथड के अंदर जो फंक्शन है वो बेसिकली उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकता था और हमने मॉडिफाई की उसकी वैल्यू. जैसे फॉर एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में जो बात की थी कि हमने टेम्प वार एक वैल्यू कंसिडर की थी अगर आपको याद हो, और वहाँ पे टेम्प वार के बाद हमने लेट्स से फंक्शन के अंदर उसको ए कहा और हमने उसके रेफरेंस को पास किया. तो बेसिकली जब हम फंक्शन के अंदर वैल्यू चेंज करते थे तो वो वैल्यू बाहर भी उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करवा देता था या उस पर्टिकुलर वैल्यू वेरिएबल ए की वैल्यू को चेंज कर दिया जाता था. सो बेसिकली जो हमारे वेरिएबल के ओरिजिनल कंटेंट्स थे उनको हम चेंज कर देते थे. तो कुछ केसेस में हमारे पास हमें जो पैरामीटर पास करना होता है थ्रू इट्स रेफरेंस या थ्रू इट्स मेमोरी एड्रेस, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो वैल्यू तो अपने मेमोरी एड्रेस के तो के थ्रू पास हो उस फंक्शन के अंदर, लेकिन जो कंटेंट है यानी उसकी जो वैल्यू है वो हम चेंज नहीं करना चाहते. अगर तो इस केस में बेसिकली फंक्शन के अंदर अगर हम कोई चेंजेस ला रहे हैं उसकी वैल्यू के अंदर, तो वो वैल्यू को मॉडिफाई ना होने दे बल्कि जो असल वैल्यू है उसको वो रिटेन रखे. तो इन दिस पर्टिकुलर केस हम फंक्शन से जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि वी डोंट वांट फंक्शन टू मॉडिफाई द वेरिएबल वैल्यू इवन अनोइंगली, यानी जानबूझ के भी अगर कोई चेंज करना चाहता है वैल्यू फंक्शन के अंदर तो वो चेंज ना कर सके. तो उसके लिए अभी हम सिर्फ एक केस डिस्कस करेंगे, एक हमने क्लास की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमने इससे पहले भी बात की थी जब हम रेफरेंस सेंड करते थे किसी भी फंक्शन के अंदर. सो लेट्स से वी हैव द फॉलोइंग क्लास डेफिनेशन, जहां हमने क्लास डिफाइन की जिसका हमने नाम रखा टेस्ट क्लास, और इस क्लास की बॉडी के अंदर लेट्स से वी हैव सम वेरिएबल और सम एलिमेंट्स विच आर प्राइवेट. अभी हम उसकी डिस्कशन में नहीं जा रहे, बस अभी हम जो हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसमें हमने क्या किया कि एक मेथड या एक फंक्शन जो है प्रिंट नंबर के नाम का यहाँ पे डिक्लेयर करवाया और उसके साथ साथ उसकी डेफिनेशन हमने क्लास के अंदर ही दे दी और उस फंक्शन या मेथड को हमने पब्लिक रखा. इस फंक्शन का नाम जो है वो हमने प्रिंट नंबर रखा और उसमें एक इनपुट आर्गुमेंट की उसको ज़रूरत है विच इज़ इंट इंटीजर टाइप, और उसका हमने एंड नंबर लिख के यानी जो नंबर का जो भी एड्रेस है जो रेफरेंस है वो बेसिकली पास करवाया है, और इस फंक्शन की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पे वॉइड लिखवाया और फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर हमने मैसेज प्रिंट करवाया टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ नंबर जो भी इसके इसकी वैल्यू होगी. सो एज वी डिस्कस के यहाँ पे हमने टेस्ट क्लास डिफाइन की, उस टेस्ट क्लास के अंदर अगेन वी हैव डिफाइन अ प्रिंट नंबर फंक्शन दैट बेसिकली टेक्स एन इंटीजर नंबर एज एन इनपुट आर्गुमेंट एंड प्रिंट इट्स वैल्यू ऑन द यूज़र कंसोल, यानी आउटपुट पे उसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा है. तो यहाँ अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में किस तरीके से हम एक कांस्टेंट पैरामीटर के तौर पे किसी भी वैल्यू को अगर पास करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे कि जब हम इस नंबर की वैल्यू को चेंज करेंगे. बट
so far we have considered a test class, और जहाँ एक function या method हमने बनाया हुआ है जहाँ पे जो value है वो pass by reference के through pass हो रही है. So in previous slide हमने जो method discuss किया था print number के नाम का, हमने एक method बनाया था class के अंदर, हमने उस method को यहाँ पे लिखा और हमने उस method को थोड़ा सा modify किया है. यहाँ उस modification में हमने किया क्या कि void print number का जो method बनाया था जिसमें हमने एक इंटीजर टाइप का नंबर वेरिएबल पास करवाया विद इट्स रेफरेंस वैल्यू, यानी एंड का साइन जो हमने लगाया, और उसके बाद हमने सी आउट करवाया था नंबर की वैल्यू. तो इस पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन में हमने लेट्स से नंबर इज इक्वल्स टू 100 लिखा, तो यहाँ अब हमारे पास नंबर की जो वैल्यू है वो चेंज होके जो भी वैल्यू बाहर से आ रही थी, कोई भी हमने अगर पास की वैल्यू पहले की गई नंबर की, उसको ये यहाँ पे 100 कर देगा. तो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में जो पिछली वाली स्लाइड में हमने डेफिनेशन देखी थी उनमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो रेफरेंस यूज़ करेगा, यानी मेमोरी एड्रेस यूज़ करेगा इनपुट वेरिएबल का, और उसको बेसिकली जो उसके कंटेंट्स हैं नंबर के उनको चेंज कर सकता है और उसको 100 कर देगा. नाउ वी थिंक वी डिज़ायर्ड कि जी ये नंबर की वैल्यू लेट्स से अगर प्रोग्रामर से बाय मिस्टेक या अनइंटेंशनली जो है वो चेंज हो गई है, उसने ओवरराइड कर दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर कोई ऐसी ऐसा चेंज करने का काम किया भी गया है उसके बावजूद ये वैल्यू नंबर की चेंज ना हो, जो भी ओरिजिनल वैल्यू है वो एज इट इज़ रहे. तो इस चीज़ को करने के लिए बेसिकली हमें फंक्शन को मॉडिफाई करना पड़ेगा और उसके वेरिएबल को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ताकि अगर किसी ने उसके कंटेंट्स को या उसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश की है तब भी वो वैल्यू को चेंज नहीं होने देगा. सो उसके लिए हम एक कीवर्ड CONST जो कि कांस्टेंट को बेसिकली यहाँ रिप्रेजेंट करता है, उस कांस्टेंट के कीवर्ड को यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ताकि वो जो पैरामीटर है या वो जो वेरिएबल जिसके साथ ये कांस्टेंट का कीवर्ड यूज़ किया गया है वो एक कांस्टेंट वेरिएबल बन जाए, और अगर किसी वजह से भी हमने प्रोग्राम के अंदर कोई उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू में चेंज लाते हैं तो वो वैल्यू का चेंज होना इफ़ेक्ट ना करे. क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे उसको इनिशियली कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया है. सो यहाँ पे जो मॉडिफाइड डेफिनेशन है उस फंक्शन की, तो यहाँ यू कैन सी क्लियरली के वी हैव रिटन प्रिंट नंबर और हमने उस इंटीजर एंड नंबर को अब कांस्टेंट के कीवर्ड के साथ जो है वो कांस्टेंट फिक्स कर दिया है. अब यहाँ पे इसकी डेटा टाइप अभी भी इंटीजर है जैसे पहले थी, लेकिन हमने क्योंकि कांस्टेंट यहाँ मेंशन कर दिया, तो अब अगर मैं इस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर नंबर इज इक्वल्स टू 100 करूँगा तो ये वैल्यू नंबर की 100 नहीं करेगा, क्योंकि इनिशियली हमने यहाँ पे जो कांस्टेंट इसको यहाँ पे लिख दिया है, जिसकी वजह से जो भी इनिशियल वैल्यू असाइन की गई थी इस नंबर को वो एज इट इज़ रहेगी और वो वैल्यू अपनी चेंज नहीं करेगा. तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने देखा कि किस तरीके से हम फंक्शन की जो डेफिनेशन है तो उस डेफिनेशन को चेंज करने के बाद, उसको कांस्टेंट रखने के बाद हम देखते हैं कि हमारी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती. ओके, आफ्टर डिस्कसिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट पैरामीटर, अब हम दूसरा एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं विच इज़ कॉल्ड डिफॉल्ट पैरामीटर. व्हेनेवर वी समटाइम्स पास द पैरामीटर ऑफ टू अ फंक्शन वी मे सेट द डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर दीज पैरामीटर्स, यानी कि जब भी हम किसी भी फंक्शन में उसके पैरामीटर्स पास करते हैं, यानी उसके इनपुट पैरामीटर्स को पास करते हैं, बजाय इसके कि हम वो पैरामीटर की वैल्यूज पास करें, हम उसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं कि इन केस अगर यूज़र जो है वो उसकी वैल्यू नहीं देना चाहता तो जब भी फंक्शन यहाँ पे हमारे पास लिखा जाता है तो हम उसमें उसकी कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज दे सकते हैं कि हमें पता है कि ये वैल्यू चेंज अगर नहीं होनी तो इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग के इंट नंबर 1 इंट नंबर 2 हम उसको
वैल्यू असाइन कर देते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से हमने एक फंक्शन बनाया ऐड के नाम का, जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं थी, तो हमने यहाँ पे वॉइड लिखा और उसके बाद हमने दो वेरिएबल्स जो हैं जो कि इंटीजर टाइप के हैं, नंबर वन और नंबर टू, उनकी वैल्यूज़ को पास किया है. और आफ्टर पासिंग दीज टू इंटीजर वैल्यूज़ हमने जो है वो, लेट्स से अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो दो ये जो हमारा फंक्शन है ऐड का, ये बेसिकली दो पैरामीटर्स इंटीजर टाइप के ले रहा है, तो जब भी मैं कॉल करूँगा इस फंक्शन को, अब यहाँ तो ये हमने डिक्लेयर किया है फंक्शन, लेट्स से अगर मुझे इसको कॉल करवाना है तो इसकी कॉलिंग के टाइम पे हम इसकी कोई ना कोई वैल्यू पास करेंगे. लेट्स से मैंने ऐड 100,200 लिखा, तो इसका मतलब ये है क्योंकि ये कॉल है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास जो 100 है वो नंबर वन की जगह एक वैल्यू पास की है मैंने इंटीजर टाइप की, और जो 200 वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे नंबर टू के लिए पास की है. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, मैं ये चाहता हूँ कि जो डिक्लेरेशन के टाइम पे जो नंबर टू की वैल्यू है वो 100 ही है लेट्स से, और नंबर वन की मैं कोई भी वैल्यू पास करना चाहता हूँ, तो उस केस में मैं यहाँ पे बजाय इसके कि बार बार 200 लिखूँ कॉल करवाने के टाइम, मैं यहाँ पे नंबर टू इज इक्वल्स टू 100 लिख देता हूँ और नंबर वन की जो वैल्यू है वो वहाँ पे एज इट इज़ जो भी कॉल के टाइम पे मैंने वैल्यू पास की है वो एज इट इज़ वहाँ पे आ जाएगी. सो एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड के हम जब भी अपने फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद उसे कॉल करते हैं तो हम उसकी वैल्यूज़ को वहाँ कॉलिंग के टाइम पे कहीं ना कहीं जो है वो मेंशन कर रहे होते हैं. लेकिन समवेयर इफ़ वी वांट के जी कुछ वैल्यूज़ जो हैं उनकी वो जो हैं वो अपनी वैल्यू वेरिएबल्स चेंज नहीं कर रहे, तो उस केस में हम जब डिक्लेयर कर रहे होते हैं फंक्शन को तो हम वहाँ पे उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेंशन कर देते हैं. जैसे हमने पिछली स्लाइड में जैसे बात की कि ऐड का जो फंक्शन हमने बताया था उसमें हमने इंटीजर नंबर वन की वैल्यू नहीं दी थी, लेकिन नंबर टू की जो वैल्यू है इंटीजर वहाँ हमने 100 दे दी थी वैल्यू, तो उस केस में जो नंबर टू है उसको हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास की है विच इज़ 100. तो यहाँ पे जो 100 वैल्यू है जब भी हम कॉल करेंगे, लेट्स से यहाँ हमें नज़र आ रहा है लिखा हुआ ऐड 500, तो अब कंपाइलर जब भी इस मेथड को देखेगा तो उसको एक ही पैरामीटर नज़र आ रहा है 500 का, तो कंपाइलर विल अंडरस्टैंड कि ये जो 500 है ये बेसिकली अगर हम प्रीवियस स्लाइड में जाके देखें कि वहाँ इंट नंबर वन जो लिखा है ये बेसिकली 500 उसकी वैल्यू है. एंड नाउ वी मे आस्क के जी जो नंबर टू है उसकी वैल्यू क्या है, तो नंबर टू की जो वैल्यू थी वो हमने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ऑलरेडी 100 पास कर दिया था. सो कंपाइलर वुड अंडरस्टैंड कि जी जो दूसरी वैल्यू है वो अगर नहीं भी दी तो उसकी वैल्यू उसने यहाँ पे 100 कंसिडर कर लेनी है, बिकॉज डिफ़ॉल्ट वैल्यूज वॉज ऑलरेडी गिवन इन द डिक्लेरेशन. Now if we say के we have specified only one parameter, जैसे हमने देखा तो हम 500 की वैल्यू यहाँ पर दे के 100 की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में पास कर दी थी हमने डिक्लेरेशन के टाइम पर, तो कंपाइलर विड अंडरस्टैंड के एड 500 अगर लिखा है तो उसने नंबर वन की वैल्यू 500 कंसिडर की और नंबर टू की वैल्यू उसने ऑलरेडी डिफाइंड जो हमने 100 रखा है नंबर टू की वैल्यू वो कंसिडर कर लेगा. इसी तरीके से अगर लेट्स से मैं जो वैल्यू थी कॉलिंग के टाइम पे उसको लिख दूं ऐड 500,300, सो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि कंपाइलर जो है नंबर वन की वैल्यू 500 कंसिडर करेगा और नंबर टू की वैल्यू 300 कंसिडर करेगा. इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने डिक्लेरेशन के टाइम पे नंबर टू की वैल्यू को इज इक्वल्स टू 100 रखा था, कंपाइलर उसको रिप्लेस कर देगा इस 300 की वैल्यू से. इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आपने डिक्लेरेशन के टाइम पे दी है तो ऐसा नहीं है कि वो वैल्यू कॉन्स्टेंट कंसिडर की जाएगी, जैसे इससे पहले हमने कॉन्स्टेंट पैरामीटर के डिस्कशन में बात की थी.
बल्कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो ओवरराइड भी हो जाती है, तो जो नई वैल्यू हमने 300 दी है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द वैल्यू ऑफ नंबर टू. सो विद इन दिस फंक्शन बेसिकली नंबर वन पैरामीटर जो है उसकी वैल्यू 500 अज्यूम की जाएगी और जो नंबर टू की वैल्यू है वो 300 अज्यूम की जाएगी. ओके, सो द नेक्स्ट डिस्कशन इन दिस डिफॉल्ट पैरामीटर इज़ अबाउट ऑर्डर ऑफ द डिफॉल्ट पैरामीटर लिस्ट. के अब अगर हम लेट्स से फॉर एग्जांपल ये कंसिडर करते हैं कि हमारा जो भी मेथड है वो मल्टीपल पैरामीटर्स जो है वो उसको रिक्वायर्ड हैं इन पैरामीटर लिस्ट, तो हम जो है हमारे पास ये ऑप्शन है कि वी मे सेट डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर नन ऑफ द पैरामीटर्स, पार्शियल कुछ यानी कुछ पैरामीटर्स को हम डिफॉल्ट वैल्यू दे दें कुछ को ना दें, या तमाम पैरामीटर्स को डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं. ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो वैलिड हैं और हम हमारी मर्जी है कि हम अगर डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं हम दे सकते हैं, आधों को दे सकते हैं रिमेनिंग को छोड़ के, और सारे के सारे पैरामीटर्स को भी डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं. सो लेट्स से अगर हम ये कहते हैं कि जब हम डिफॉल्ट पैरामीटर या डिफॉल्ट वैल्यूज इनिशियलाइज कर रहे हैं और उसमें आधे पैरामीटर यानी पार्शियल को हम पार्शियल लिस्ट ऑफ पैरामीटर को कोई वैल्यू देते हैं, तो किस तरीके से वो वैल्यूज जो हैं अपेयर होंगी एंड ऑफ द लिस्ट में. सो लेट्स से हमारे पास हमने यहाँ पे लिखा के void add int number 1 is equals to 200 comma int number 2. तो ये basically एक invalid way है लिखने का. क्यों? क्योंकि जब भी हम default value देते हैं तो जैसे हमने इससे पिछली example में भी देखा कि हमने int number 2 को पहले default value देनी है और उसके बाद अगर नंबर वन को देनी है तो फिर देंगे, लेकिन हम लेफ्ट साइड से नहीं शुरू कर सकते डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना, बल्कि हमें राइट साइड से शुरू करनी पड़ेगी. ये एक डिफ़ॉल्ट ये एक तरीक़ेकार है कि हमने अगर पार्शियल लिस्ट देनी है पैरामीटर्स की तो वो इस तरीके से दी जाएगी. इसी तरीके से जो दूसरी एग्जाम्पल हमें नज़र आ रही है माई फंक्शन के नाम का जो हमने फंक्शन बनाया है, ये भी एक इनवैलिड तरीक़ा है. वो इसलिए कि हमने इससे पहले बात की कि हमने स्टार्ट करना है फ्रॉम द राइट मोस्ट वेरिएबल के साथ कि अगर हम मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है, तो बिल्कुल हमने एंड पैरामीटर 3 को 100 की वैल्यू तो दी है लेकिन हमने पैरामीटर 2 को कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी और फिर 1 को दोबारा से वैल्यू दे दी. तो हमने बात की कि आपने राइट साइड से 1 by 1 वैल्यूज़ पास करना शुरू करनी है जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं किसी भी फंक्शन को. ऑन द अदर साइड अगर मैं कहता हूँ ये जो तीसरी एग्जाम्पल है कि वहाँ मैंने 3 में से 2 वेरिएबल्स को अगर मैंने असाइन करनी है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो ये तरीका वैलिड वे है ऑफ पासिंग द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़. क्यों? क्योंकि हमने पैरामीटर 3 को पहले वैल्यू दी फिर पैरामीटर 2 को दी, और पैरामीटर 1 को अगर हम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो नहीं दे सकते. बट दिस इज़ द वैलिड वे ऑफ पासिंग द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, क्योंकि हमने राइट मोस्ट साइड से डिफ़ॉल्ट वैल्यूज पास करते गए हम, और जिन जिन वेरिएबल्स को हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करके देनी है वो राइट मोस्ट साइड से हमने स्टार्टिंग लिया और फिर हम इसी तरह लेफ्ट तक गए. तो इसमें हमने देखा कि पहला मेथड इसलिए इनवैलिड था कि हमने लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट किया और राइट वाले को वैल्यू डिफ़ॉल्ट नहीं दी. दूसरा केस इसलिए वैलिड था कि हमने पहले वाले को और आखिरी वाले को बेसिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी और बीच वाले को बाईपास कर दिया, हालांकि हमने बात की थी कि हमने राइट मोस्ट से स्टार्ट करते करते 1 by 1 डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ असाइन करते हुए जाना है. इसीलिए जो थर्ड तरीक़ेकार है या थर्ड मेथड या थर्ड वे ऑफ राइटिंग द और डिक्लेयरिंग द फंक्शन इज़ द वैलिड और करेक्ट वन, जहाँ पे हमने राइट मोस्ट साइड से पैरामीटर 3 की वैल्यू दी, उसके बाद पैरामीटर 2 की वैल्यू दी और फिर फाइनली हमने पैरामीटर 1 लिख दिया क्योंकि हमें पैरामीटर 1 की लेट से वैल्यू नहीं पास करनी थी. सो आफ्टर डिस्कसिंग दिस डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ऑर्डर, हम यहाँ पे एक कोड की मदद से
इस डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ऑर्डर को समझने की कोशिश करेंगे. सो इन दिस पर्टिकुलर कोड हमारे पास, हमने एक क्लास बनाई जिसका नाम हमने रखा टेस्ट क्लास, और उसमें एक मेथड हमने डिक्लेयर करवाया जिसको हमने पब्लिक रखा उस मेथड को, जिसका नाम हमने रखा ऐड. सो वी राइट void add bracket int number 1 is equals to 400 comma int number 2 is equals to 200. अब ये हमने जो बात की थी फंक्शन या मेथड डिक्लेरेशन की, तो हमने ये कहा था कि राइट मोस्ट साइड से आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप पास कर सकते हैं डिक्लेरेशन के टाइम पे. तो दिस इज़ द वैलिड वे, क्योंकि हमने राइट मोस्ट जो नंबर 2 था उसकी वैल्यू डिक्लेयर करवाई, और उसके बाद नंबर 1 की वैल्यू रखी 400. अब यहाँ पे हमने क्लास की बॉडी जो है वो एंड कर दी ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट्स लगा के और सेमी कॉलन लगा के. अब कंपाइलर को, हमने इससे पहले बात की थी कि हमने फंक्शन तो जो भी किसी क्लास का था या मेथड उसको डिक्लेयर तो करवा दिया है, लेकिन उसकी डेफिनेशन जो है वो हम क्लास के अंदर भी लिख सकते हैं और क्लास के बाहर भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पर हमने उस टेस्ट क्लास का जो मेथड था ऐड का, उसको क्लास के बाहर डिफाइन किया है. सो इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा void टेस्ट क्लास, जो कि क्लास का नाम है, और उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन का साइन लगाना ज़रूरी होता है, और फिर जो मेथड का नाम है ऐड, और उसके जो दो पैरामीटर्स हैं int नंबर 1 और int नंबर 2, और फिर हमने इस ऐड मेथड की जो डेफिनेशन है वो डिफाइन की है उसकी बॉडी के अंदर. अभी इस टाइम पे हम इसकी बॉडी नहीं डिस्कस करेंगे, जब भी अभी हम डायरेक्टली मेन फंक्शन में जाएंगे, क्योंकि कंपाइलर में जो मेन फंक्शन को सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है, अगर मेन में जब भी हमें ज़रूरत महसूस होगी इस फंक्शन को कॉल करने की, तो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जंप कर जाएंगे. तो यहाँ पर सबसे पहले मेन में हमने टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम हमने रखा टेस्ट ऑब्जेक्ट, और फिर मैंने एक मैसेज प्रिंट करवाया यूजिंग डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ फॉर बोथ पैरामीटर्स, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था उस ऑब्जेक्ट को मेंबर एक्सेस ऑपरेटर जो है वो यूज़ करते हुए, यानी डॉट का साइन यूज़ करते हुए, मैंने उसके मेथड को कॉल किया, यानी एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपने मेथड को कॉल कर रहा है टेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट ऐड. अब यहाँ पर मैंने पहले वाले फंक्शन में अगर आप देखें जो मैंने मेथड कॉल किया टेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, वहाँ मैंने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया. अब अगर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर मैंने ऊपर 400 और 200 जो डिफ़ाइन किए हैं वो नहीं लिखे होते, तो कंपाइलर एरर देता, क्योंकि उसको दो वेरिएबल नंबर 1 और नंबर 2 जो कि इंटीजर टाइप के हैं उसकी ज़रूरत होती. लेकिन क्योंकि मैंने इनको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ उनकी डिक्लेरेशन जहाँ मैंने क्लास के अंदर की है वहाँ मैंने कर दिया है, तो इसलिए अगर मैं इस ब्रैकेट को यहाँ पे टेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट ऐड के ब्रैकेट को अगर मैंने एम्प्टी छोड़ा है, तो कंपाइलर एरर नहीं देगा, बल्कि कंपाइलर जो है वो यहाँ से उसकी जो भी डिक्लेरेशन है उधर से डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठाएगा और उसकी कॉल पे चला जाएगा. तो फंक्शन की डेफिनेशन में आकर बेसिकली अब कंपाइलर को पता है कि नंबर 1 की वैल्यू उसने 400 फिक्स कर दी और नंबर 2 की वैल्यू उसने 200 फिक्स कर दी. और उसके बाद मैंने सी आउट करवाया नंबर 1, यानी नंबर 1 की वैल्यू 400 डिस्प्ले हुई, और फिर उसके बाद मैंने प्लस का साइन प्रिंट करवाया, और फिर नंबर 2 जो कि 200 है वो डिस्प्ले करवा के इक्वल्स टू का साइन डिस्प्ले करवाया, और फिर मैंने नंबर 1 प्लस नंबर 2 जो कि 400 प्लस 200 उसका रिजल्ट जो है 600 आता है, वो 600 यहाँ पर डिस्प्ले होता हुआ हमें ब्लैक या आउटपुट कंसोल में नज़र आ रहा है. अब जब ये फंक्शन और मेथड पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो गया, कंपाइलर वापस आएगा मेन फंक्शन के अंदर, और फिर इस मेथड के चलाने के बाद कंपाइलर से हमने यहाँ सी आउट पे मैसेज प्रिंट करवाया यूजिंग डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ फॉर सेकंड पैरामीटर, और अब मैंने टेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट ऐड दोबारा कॉल किया, लेकिन अब यहाँ पर मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया है. अब जब मैंने एक पैरामीटर पास किया है, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो 100 है, कंपाइलर को पता है कि अब ये जो 100 है ये बेसिकली नंबर 1 की वैल्यू हो गई, रिगार्डलेस इसके बावजूद कि मैंने नंबर 1 को 400 डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी थी, लेकिन क्योंकि मैंने कॉल के टाइम पे 100 की वैल्यू एक पास कर दिया है, तो कंपाइलर जो है वो उस नंबर 1 की जो 400 वैल्यू है
उसको ओवरराइड कर देगा और उसकी जगह नंबर वन की वैल्यू 100 कंसिडर करेगा। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने दूसरी वैल्यू नहीं दी तो कंपाइलर नंबर टू की वैल्यू को 200 ही रखेगा। और इसी तरीके से जब मैंने मेथड कॉल किया तो कंपाइलर इस मेथड या फंक्शन की डेफिनेशन में चला जाएगा और वहाँ पे नंबर वन की अब वैल्यू वो 100 कंसिडर कर रहा है और नंबर टू की वैल्यू वो 200 ही रह रहा है, विच इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और अगेन इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि वो पहले नंबर वन की वैल्यू प्रिंट करवाएगा विच इज़ नाउ 100 जो कि हमने पास की थी, और फिर प्लस का साइन, और फिर नंबर टू की जो वैल्यू थी वो हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू 200 प्रिंट हुई, और फिर उसके बाद हमने इज इक्वल्स टू का साइन प्रिंट करवाया और नंबर वन प्लस नंबर टू यानी 100 प्लस 200 का जो सम है विच इज़ 300 वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। अब इस फंक्शन के अगेन एग्जीक्यूट करने के बाद कंपाइलर दोबारा से इस लाइन को प्रिंट करेगा सी आउट वाली ओवरराइडिंग डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ फॉर बोथ पैरामीटर्स, और ये प्रिंट करने के बाद अब मैंने दोबारा से उस ऑब्जेक्ट टेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट ऐड करके फंक्शन जो ऐड का था उसको एग्जीक्यूट करवाया और मैंने वहाँ पे 50,50 लिख दिया। अब अगेन कंपाइलर ने देखा कि जी ऑलरेडी यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दी गई थी, लेकिन जब मैंने मेथड कॉल किया तो मैंने मेथड कॉल के टाइम पे खुद से 50,50 की वैल्यूज़ दे दी, तो अब जो नंबर वन की वैल्यू 400 और नंबर टू की वैल्यू 200 थी, कंपाइलर उन दोनों वैल्यूज़ को ओवरराइड करेगा और नंबर वन की वैल्यू 50 रखेगा और नंबर टू की वैल्यू भी 50 रखेगा। और फिर इस मेथड की डेफिनेशन पे जाकर दोबारा से सी आउट करवाएगा, नंबर वन की वैल्यू प्रिंट करवाएगा विच इज़ 50, फिर प्लस का साइन, और फिर दोबारा नंबर टू की वैल्यू प्रिंट कराएगा विच इज़ अगेन 50, इक्वल्स टू का साइन प्रिंट करेगा, और फिर उसके बाद नंबर वन प्लस नंबर टू में वो 50 प्लस 50 करके उसका जो टोटल है 100 वो प्रिंट करेगा। सो इन दिस वे, इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल हमने देखा कि किस तरीके से हम किसी भी क्लास का कोई मेथड अगर मौजूद है और हम वहाँ पे डिक्लेरेशन के टाइम पे उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज दे देते हैं, और फिर जब हम उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ये मुझ पे डिपेंड करता है कि अगर मैं कोई पैरामीटर ना भी दूं और मैंने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दे दिए हैं तो फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज जो मैंने दिए हैं उनको यूज़ करेगा। इसी तरीके से फिर हमने देखा कि अगर मैं एक वैल्यू पास करता हूं तो वो एक वैल्यू जो है वो पहली नंबर वन की जगह लेगा, और अगर मैं दोनों वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ तो दोनों डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ रिप्लेस करके या ओवरराइड करके वो जो वैल्यू मैंने कॉल करवाने के टाइम पे भेजी विच वॉज 50,50 तो वो नंबर वन और नंबर टू की जो वैल्यूज़ 400 और 200 दी थी उनको रिप्लेस करके 50,50 कंसिडर करेगा। सो आफ्टर दिस वी विल बी सीइंग कि किस तरीके से ये कोड जो है वो हमारे पास आउटपुट जनरेट करेगा इन द रियल एग्जीक्यूशन और कंपाइलेशन। सो दिस इज़ द कोड जो कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस भी किया था, और इस पर्टिकुलर कोड में एज वी डिस्कस कि हमने यहाँ ऐड का जो फंक्शन बनाया है उस ऐड के फंक्शन के अंदर हमने बेसिकली यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं नंबर वन की वैल्यू और नंबर टू की वैल्यू को पास कर दिया है विच इज़ 400 and 200। इसी तरीके से हमने यहाँ पे जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो क्लास के बाहर रखी है, और क्लास के बाहर रखने की वजह से हमने यहाँ पे इसमें एज वी डिस्कस बिफोर कि हमने स्कोप रेजोल्यूशन का साइन यूज़ किया है, और उसके साथ फिर हमने क्लास का नाम लिखा और पैरामीटर्स डिफाइन करने के बाद जो भी इस फंक्शन की बॉडी में हम करवाना चाहते हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमने मेन फंक्शन में एक उस क्लास टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम हमने रखा टेस्ट ऑब्जेक्ट, और इस टेस्ट ऑब्जेक्ट में हमने पहली दफ़ा जब ऐड का फंक्शन कॉल करवाया तो हमारे पास हमने उसके इनपुट पैरामीटर्स पास नहीं किए और उस ब्रैकेट को एम्प्टी रखा, और उसके बाद दूसरी दफ़ा हमने वहाँ पे उसी ऑब्जेक्ट के साथ दोबारा से उस ऐड मेथड को एग्जीक्यूट किया
और एक वैल्यू पास की विच इज 100। एंड थर्ड टाइम जब हमने दोबारा इस ऑब्जेक्ट के साथ इसके मेथड को कॉल किया तो हमने दो वैल्यूज पास की विच वर 50, 50। सो इसका मतलब है कि हमने जो ऐड का मेथड बनाया और जो ऑब्जेक्ट बनाया तो हमने उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस ऐड के मेथड को 3 दफा इस्तेमाल किया और 3 डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल किया। कि पहले केस में हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया, दूसरे केस में जब हमने ऐड का मेथड कॉल किया हमने 100 की वैल्यू पास की, और तीसरे केस में हमने 50, 50 दो वैल्यूज पास की। सो नाउ वी विल ट्राई टू कंपाइल दिस कोड एंड वी विल सी कि हमारे पास आउटपुट किस तरीके से जनरेट होता है आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कोड। सो एज यू कैन सी हियर कि पहली दफा जब मैंने ऐड का मेथड एम्प्टी रखा था तो कंपाइलर ने उसके बावजूद जो नंबर 1 और नंबर 2 की मैंने 2 डिफॉल्ट वैल्यूज दे दी थी विच वर 400 एंड 200, कंपाइलर ने उस 400 और 200 को ऐड किया और 600 की वैल्यू दे दी। दूसरी दफा में इफ यू रिमेम्बर हमने जो वैल्यू पास करवाई थी विच वाज बेसिकली 100, तो 100 की वैल्यू पास करवाने के टाइम पे कंपाइलर ने बेसिकली वो 100 की वैल्यू कंसिडर की और दूसरी वैल्यू नहीं दी थी, तो नंबर 2 की जो डिफॉल्ट वैल्यू थी विच वाज 200 कंपाइलर ने वो कंसिडर किया और उसका एडिशन हमें यहाँ 300 मिला। और तीसरे केस में इसी तरह हमने दोनों वैल्यूज पास की और ओवरराइड कर दिया हमने जो डिफॉल्ट नंबर 1 की वैल्यू थी और डिफॉल्ट नंबर 2 की वैल्यू थी, उसको ओवरराइड करके हमने 50, 50 जब पास किया तो हमारे पास 100 की का सम आया। सो इन दिस वे वी हैव सीन सो फार कि हम किस तरीके से, इस लेक्चर में हमने देखा कि कॉन्स्टेंट वैल्यू जो है वो पास करते हैं, और इसी तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम डिफॉल्ट पैरामीटर पास करते हैं और उसमें हमें राइट साइड से जब हम शुरू करेंगे डिक्लेयर करना तो हमें राइट मोस्ट साइड से डिक्लेयर करना ज़रूरी है रादर देन कि अगर हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे या बीच में कोई वैल्यू अगर छोड़ देंगे तो कंपाइलर वहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू के लिए वो एक इनवैलिड तरीका उसको तसव्वुर करेगा और कंपाइलिंग के टाइम पे हमें एरर जनरेट करके देगा।